मैं कीर्ति कृष्णन, हमारे पतिदेव का नाम गोपी कृष्णन है। हम साई भक्त है, पहले साई बाबा के भक्त है। बाबा हमको, हम शिरडी बार बार आते रहते थे, तो हमारा मुलाकात मोहन यादव जी सर से हुआ था। मोहन यादव जी सर हमसे बहुत प्रसन्न रहते थे, उनके द्वारा आज हम कुंभारी में बाबा का प्रतिष्ठापन उनके द्वारा ही हुआ। मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है अभी। तो कुंभारी आने के बाद हमारा मुलाकात बाबा से शुरू हुआ, जहाँ बाबा का प्रतिष्ठापना से शुरू हुआ। बाबा ने हमको चुना, हम दंपतियों को चुना, और बाबा का प्रतिष्ठापना यहाँ पर जो काम कार्य में, काम करने में कार्य करता है, जो सतीश नीलकंठ जी है और यहाँ के संत महाराज राघवेश्वर जी है, वो सब अब, और यहाँ के भक्तगण, साई भक्तगण, जो कुंभारी के साई भक्तगण है, वो सब सम्मिलित होकर जो उत्सव पिछले साल किया था वो अद्भुत था। मतलब यहाँ पे कोई शब्द कम पड़ जाएंगे उसको, एक उत्साह की उत्सव रूप में किया। जैसे राम भगवान अयोध्या में आते, उस पूर्वक राम जी और सीता का जैसे स्वागत होता है, उस तरह से आज वार्षिकोत्सव जो साई बाबा का प्रतिष्ठापना हमने किया, उसका वार्षिकोत्सव में सारे गांव के जनता और नीलकंठ जी का जो सहयोग इसमें था, फूलों की वर्षा होना, लोगों का बैंड बाजा बारात से यहाँ पर हमको लेके आना, ये कोई मामूली बात नहीं, कोई अद्भुत शक्ति, जैसे बाबा के आशीर्वाद से ही ये काम हो सकता है। मानो अगर अच्छे कर्म और अच्छे काम इंसान करेगा तो संभवतः भगवान हमारे साथ खड़े होंगे, ये हम मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। मेरा यही कहना है कि हर बंदे में हर भगवान बसते हैं, तो हम अच्छे कार्य कर्म करते रहना। जहाँ मैं बाबा को हमने प्रतिष्ठापन क्या किया, बाबा ने हमको चुना उस पूजा के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कितने जन्म, कहते हैं सदियों में, पुराणों में कहते हैं कि भगवान चुनते हैं लोगों को, वैसा हम दंपतियों को चुना। और मैं ये चाहती हूँ हर बंदा अपना श्रेय इसमें डाले और अच्छे कर्म करे। बाबा तो अच्छे कर्म करने के लिए सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो कुंभारी में जो उत्सव चल रहा है वो अद्वितीय है, मैं यही कह रहा हूँ। इतना छोटा सा गांव है, कल्पना कैसे आई, बस वो भी बाबा का लीला ही मानो। क्या पता बाबा का चमत्कार लीला हमें नहीं पता, वो उनको पता है कौन सा भक्त निस्वार्थ होना चाहिए। कोई भी काम करने से निस्वार्थ भावना हो, चाहे भगवान का काम या किसी की सहायता हो, तो वो निस्वार्थ से करो तो भगवान भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे मन से मैंने करना चाहा, तो मेरे से जितना हुआ हमने उतना किया। तो मैं हर साल बाबा हमसे करवाएंगे और हम ऐसे ही आते रहेंगे, कुंभारी में ऐसे ही प्रेम पाते रहेंगे। कुंभारी वालों को भी हमारा धन्यवाद और यहाँ के सभी भक्त जो है वो साईं बाबा का है पूरा, जो कि मड़वा, बस बाबा का प्रेम हम पर है, बाबा ने हमको चुना, बाबा का आशीर्वाद है, ये कई जन्मों का आशीर्वाद होगा, तो इतना बड़ा कार्य इंसान कर सकता है। वरना हम हमारा सोचते हैं, लेकिन भगवान का सोच अलग होता है, तो ये भगवान का कृपा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।